अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह अपने चकोर की हो या मुर्गे की हो, जिसके भी अंडे हो, उसको आप किस तरह अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं और उसको कोई ख़राबी वगैरह नहीं पहुँच जाए। इसी तरीके से हम आज का वीडियो बनाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा भी देखें ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए, क्योंकि हम लास्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बताते हैं वीडियो के एंड में, तो आपने वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगा, सबसे पहले तो मुझे ये वाला चीज़ मेरे पास है, ये वाला चीज़ आ गई। ख़राब पंखे की है ये तो ख़राब पंखे की है, इसको हम उठाएंगे, ये वाला इसको हम इधर रखेंगे। ये वाला चीज़ मेरे पास है, आप किसी टुकड़ी वगैरह को उठा ले, ये वाला चीज़ मेरे पास मौजूद है, ये वाला इसको ख़राब पंखे से या कबाड़ी वगैरह से आपको मिल जाएगा। ये आपने सबसे पहले ये वाला चीज़ उठाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक कपड़ा लेना है, जैसा ये वाला कपड़ा है, ये वाला इस तरह कपड़ा आपने लेना है, उसको इधर बिछाना है अच्छे तरीके से ताकि उसको इसके पास चिंटी वगैरह ना आ जाए। जैसा पालतू कपड़ा आपने उठाना है, दूसरा उठाना है, इस तरह देना है आपने, इस तरह आपने देना है ताकि इसको अच्छा सा इस पर अच्छा सा फिक्स हो जाए। इस तरह आपने करना है दोस्तों। उसके बाद आपने जो वो होता है पश्तों में हम उसे पस कहते हैं, पस उड़ने, उर्दू में उसको कहते हैं जो दुम्बे के बाल होते हैं, उसको अगर वो आपके पास होता है तो वो उठा ले, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप पंबा वगैरह उठा ले, जो नरम होता है, या स्पंज वगैरह उठा ले। इसी तरह मैं अभी दुम्बे का जो बाल होता है उसको बिछाऊँगा इसके अंदर, वो भी अच्छे तरीके से। तो आपने वीडियो को लाजमी पूरा देखना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ आ जाए। तो मैंने ये वाला कुछ उठा लिया है, ये है, मैंने ये कुछ बाल उठाए हैं दुम्बे का, ये वाला, इसको आपने अच्छे तरीके से धोना है ताकि इससे ये मरीजी वगैरह सब चला जाए, उसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपने इधर रख लेना है, इस तरह इसी तरीके से आपने इधर रखना है इसको ताकि उसके अंदर अच्छा सा फिक्स हो जाए, इस तरह नहीं, आपने इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है, इस तरह का ऐसे फिक्स हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसको इधर रखेंगे हम, ये देखो अच्छे से फिक्स हो गया ये बाल। ये तो हर किसी को हर जगह मिलता है, कसाई के पास जाए उसको भी, इसके पास भी होते हैं, या घर में पुराने गधे से उठा ले उससे भी, उसके पास भी होते हैं, उसके अंदर अगर होता तो उसको उसे निकाल कर, हम खाए लाजमी नहीं है, अगर दूसरा चीज़ भी हो वो भी अच्छा है, खाम खाए तो हम नहीं बोलता है कि तुम ये खाम खाए ये चीज़ रख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अंडे उठाना है, अंडों का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आज मेरे मुर्गे ने आज पहला अंडा दिया है, उसको भी हम उठाएंगे इंशाल्लाह, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये जो है ना, ये ओरिजिनल इंजन इसके बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसके बच्चे हैं, ये माँ उसका गुस्सा हो रहा है, ये उसका वालिद है और वो दूसरा क्रास हमारे पास मौजूद है कंधारे नस्ल का, ये इसका पहला अंडा है, ये आप देख ले, इसने पहला अंडा दिया हुआ है, ये इसका छोटा भी आप देख सकते हो, ये इसको हम बंद कर लेंगे वापस, ये उसका अंडा है,
आपको सिफ्टी दिखाने के लिए तो इसको हम इधर रखेंगे, इसके पास तरीके बताऊंगा। और अंडे भी मैं उठाऊंगा, ये वाले हैं ये, और अंडे दूसरी चीज़ों का है, इसको भी इंशाल्लाह रखेंगे इसके पास। इसको मैंने इस तरह से उठा लिया, ये आप देख ले। मैं वीडियो थोड़ा देर के लिए इस तरह करता हूँ, आप तरीका अपने लाजमी पूरा देखना है। अगर तरीके का आपको समझ नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसको करने का या वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप वीडियो पुराना देखें। इसको अपने आप से नहीं करना है, इसका अपना तरीका होता है। बाज़ औक़ात हमारे अंडे ख़राब हो जाते हैं इस तरीके से, नहीं दोस्तों इस तरीके से आपने इसमें इधर खड़ा कर लेना है जैसा। ये देख, ये वाला अंडा है मेरे पास, इसको आपने इस तरह उंगली से थोड़ा इस तरह करना है, इस तरह करके आपने इधर ऐसा खड़ा कर लेना है। बाज़ औक़ात हम इस तरह कर देते हैं या दूसरे तरह कर देते हैं, उसका वो ख़राब हो जाता है। ये दूसरा अंडा है, फिर आपने इस तरह उंगली से इस तरह कर लेना है, इस तरह। हाँ, बहुत आसान है ये, आसानी तरीके से है ये, मैं खुद ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे अंडे भी ख़राब नहीं होते हैं और इसके बच्चे भी अच्छे अच्छे हो जाते होते हैं। ये देखे आपने कभी कोई यूट्यूब पर कोई भी इसी तरह ऐसा तरीका आपको नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह। ये आप देख ले, इस तरीके से आपने सारे अंडे इस तरह रख लेना है, ये खड़ा खड़ा करके। फिर उसको महफूज करने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह मौसम पर हम उसको रख ले, किस तरह मौसम इसके लिए अच्छा है और कौन सा उसके लिए बुरा है, कौन सी मौसम में इसको खड़ा करना है, किस तरह कर लेना है। ये देखो मैंने अंडे इस तरह कर लिया है, ये देखो ये चकोर का अंडा है, इसको भी हम इधर लगाएंगे। देखो चकोर के अंडे भी इस तरह खड़े हो जाते हैं और सही तरीके से सलामत होते हैं। दूसरा चकोर का अंडा है, इसको भी हम इधर लगाएंगे, ये देख सकते हो किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ है इस तरह। ये देखे अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इसको किसी महफूज जगह पर रख ले, इसको इस तरह उठाना है। ये देखे मैंने इसको इस तरह उठा लिया है, इस तरह आपने उठाना है, किसी ऊपर जगह पर रखना है ताकि बच्चे वगैरह उसको ख़राब ना कर ले। ये खाम खाम ने हम खड़ा हो गया, ये थोड़े थोड़े सर ख़राब हो गया। इस तरह आपने किसी ऊपर जगह पर रखना है और ताकि उसको कोई नुकसान वगैरह ना पहुँच जाए। और आपने 24 घंटे में आपने सिर्फ इस तरह कर लेना है, देखो जो ख़राब हुआ हो उसको सही कर लेना है। आपने सिर्फ इसको इस तरह घुमाना है, इस तरह घुमाना है ताकि उस पर बच्चा जो है वो ख़राब ना हो जाए। इस तरह ये देख सकते हैं, मैंने इसका तरीका बताया था, इसका ये अपने बच्चे आप देख ले, इसके अपने बच्चे, इसका जो अभी बच्चे इसने दिया हुआ है भी मैंने उसी तरीके से किया हुआ है। इसने पहले बच्चे दिया, फिर मैंने इसके पास अंडिया रख लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप देख ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हमारे पास अगर ये चकोर पड़े हुए हैं या मुर्गे हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी हमारे साथ रबता करे या कमेंट पर या व्हाट्सएप पर हम खा रबता करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम।